आकांक्षी राम समाजवादी चल रहे हैं, इस समय निर्दलीय, लेकिन निर्दलीय होने का कारण और अगर उतरेंगे ये मैदान, चूंकि मित्र चुके हैं, नामांकन हो चुका है, अब उतरेंगे तो उनके पास क्या प्रमाणिक बिंदु होंगे, कौन से बिंदु ऐसे होंगे जिसके आधार पर वो चलेंगे और आप इस यात्रा का, इस चुनावी यात्रा को भंवर से निकाल कर अपने एक स्थान तक पहुंचाएंगे। वो स्थान जीत होगा या हार वो तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर कांशीराम जी, सारे समर्थक गण भी हैं काफी जोश और ऊर्जा के साथ में। आज इस यात्रा का आरंभ, चूंकि ये चलने जा रहा है, इस ये जो यात्रा आज चलने जा रही है, ये जनसंपर्क का कार्यक्रम आखिर कहाँ से होगा और कैसे शुरू होगा, आज का कार्यक्रम कहाँ कहाँ शुरू होगा? आज हमारा कार्यक्रम जो है महामायानगर और राधिकापुरी कॉलोनी बंदना विहार, आज आपके साथ जनसंपर्क ही कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। किस तरह से आपके रूप में उतर चुके हैं मैदान में डॉक्टर कांशीराम, इस बार फतह कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जन समर्थन इनके साथ अपार जुड़ चुका है, जन समर्थन हृदय से जुड़ चुका है। और अब ये यात्रा चुनौतीपूर्ण उन लोगों के लिए होने वाली जो सामने खड़े डॉक्टर कांशीराम के साथ, अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में हार होगी या जीत, लेकिन अब ये बातचीत भी हमारी देखी। लेकिन एक बात और, लगातार जनता का हुजूम, माल्यार्पण, हमारी बातचीत हो रही थी जनसंपर्क के दौरान, उस दौरान भी लोगों का माल्यार्पण करना, लोगों का मिलना जुलना लगातार जारी था। इससे ये साफ जाहिर है कि डॉक्टर कांशीराम के पक्ष में जन समर्थन, जन हुजूम कायम है। देखिए हमारी ये लोग हैं, उनकी क्या बातचीत है, वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ कल्पेश द्विवेदी जी उपस्थित हैं, हम बात करते हैं कि आखिर इनके मन में यहाँ के वार्ड के विषय पर क्या है, कौन सा प्रत्याशी दिमाग में है। कल्पेश जी, राजनीति में आप बहुत पुराने समय से, और आप अभी देखी जाती है, राजनीतिकरण माना जाता है कि यहाँ पर व्यक्ति है कल्पेश राजनीति करता है, फिर आपका वोट किसको जाएगा और क्यों जाएगा, पहले तो किसको जाएगा ये जाएगा? डॉक्टर कांशीराम रावत जी को। क्यों आखिर डॉक्टर कांशीराम कह रहे हैं क्यों? इसलिए जाएगा कि आप 15 साल यहाँ के सभासद रहे हैं, क्षेत्र में लोगों ने सहयोग किया है, इन्होंने हम लोगों की बातों पर कार्य किया है, इसलिए और जो क्षेत्र का विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा। धन्यवाद। लगभग बात तो साफ हो गई कि अब वोट जाएगा डॉक्टर कांशीराम की तरफ, लेकिन देखते हैं क्या होता है भविष्य में, अभी वर्तमान की स्थिति अनुसार डॉक्टर कांशीराम। आप कुलदीप जी, राजनीति में आपको माना जाता है समाजवादी का एक बड़ा स्तंभ, यहाँ पर स्थानीय जगह पर, क्षेत्रीय जगह पर, किसको वोट और क्यों, आखिर आपका वोट किसके तरफ और क्यों? एक तो मैं स्वतः व्यापारी हूँ और व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, हमारा व्यापारीगण और समस्त मेरी जनता जो मेरे साथ खड़ी है, वो सभी लोग वोट माननीय डॉक्टर कांशीराम रावत जी का ही जाएगा। क्यों आखिर क्यों डॉक्टर कांशीराम को आप पूरा समूह लेकर जा रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने हम लोगों के कहने पे, कभी कहने कथनी में अंतर नहीं किया है, 15 साल ये पार्षद रहे हैं, जब जब भी हम लोगों ने कोई आवाज उठाई है इन्होंने पूरा किया है, और आगे भी हम कोई आवाज उठाएंगे तो ये पूरा करने का काम करेंगे। ये देख रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर उत्साह बहुत है, हालांकि कांशीराम हमारे साथ है, लेकिन सवालों के उत्तर के हिसाब से लगता है कि मन में जगह है कांशीराम के लिए। हमारे साथ उपस्थित है पूर्व भाजपा के कार्यकर्ता, आज डॉक्टर कांशीराम के साथ हैं, जो निर्दलीय हैं, समाजवादी इनके मन में है, लेकिन जो इस समय स्पष्ट है वो निर्दलीय, उनके साथ आखिर क्या हो गया कि बनवारी जी को साथ आना पड़ा? बनवारी जी नाम है, मैं बात करते हैं भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता इस समय डॉक्टर कांशीराम के साथ में, पूछते हैं कि आखिर कैसे, आखिर आपका वोट किसको और क्यों? कांशीराम जी को। क्यों? क्योंकि ये 15 साल हमारे सारे लोग पड़े हैं, कांशीराम पसंद आ गया। हाँ, कांशीराम पसंद आ गया भैया, क्योंकि हमको पसंद इसलिए आए कि ये वक्त पे हमारा काम करते हैं, और हम उस पार्टी में रहे तो वो पार्टी वाली हमारे को सुनते नहीं है, तो फायदा क्या है उसको देना? भाजपा के सत्ता है इस समय। हाँ है, फिर भी आप छोड़ के चले आए हमको, ये कांशीराम को हमको वोट देना है, इनके साथ में है। चलिए एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, आप सभी का वोट किसके तरफ जाएगा? ये तो गजब हो गया। अवधेश जी, आप भी देख रहे हैं कैमरा पर्सन। खैर, आज के लिए इतना ही, लगभग स्पष्ट हो चुका है आज के इस कार्यक्रम में कि एक व्यक्ति के साथ हुजूम जुड़ रहा है, जन समर्थन जुड़ रहा है, उसका कारण है विकास। मित्रों, जरूरत भी है, आज आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जो प्रमाणिक विकास करे, धरातल पर विकास करे, जो विकास की बात पर वोट मांगे, जो विकास के नाम पर ही कार्य अभिषेक करे।
डॉक्टर काशीराम के अंदर कुछ गुण ऐसे नजर आते हैं, बाकी आप तय करें। कैमरा अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज इंडियन। लेकिन इन विकास कार्यों को समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं समझा और आप निर्दलीय आपको उतरने पर मजबूर हो गए? आप आखिर समाजवादी पार्टी आपके इन सारे कार्यों के आधार पर आपको टिकट क्यों नहीं मिली, क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मैं थोड़ा सा, मुझसे भी गलती हुई थी। मेरे राजनीतिक गुरु राजेंद्र यादव जी थे, वो भी चुनाव लड़े, मैं थोड़ा सा एक दिन फिसल गया हूँ, उनके साथ चला गया, बस इतनी गलती थी और कोई गलती मेरी नहीं थी। तो ये तो गलती, चूंकि किसी के साथ जाना, किसी का प्रचार करना, वो एक राजनीतिक या व्यक्तिगत सम्मान भी, व्यक्तिगत संबंध भी हो सकता है, उसके लिए टिकट काट देना आज इसमें ये देखा जाता ना, पार्टी को चाहिए क्या? सामाजिक उत्थान, उद्धार, सामाजिक विकास चाहिए या ढकोसला? अगर ढकोसला चाहिए तो किसी को दे दीजिए, उधार या उद्धान या उधार चाहिए या विकास चाहिए तो उसको, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जैसे कि जिस तरह से आप बता रहे हैं वैसे तो आपको मिलना चाहिए था, अगर जिस किसी और को मिला तो प्रश्न उठाना पार्टी पर। नहीं तो आप ये तो जी देख रहे हैं कि जनसैलाब आपके सामने है, ये मैं पदयात्रा जब करता हूँ, जनसैलाब आपके सामने है तो ये जनता बताएगी, मतलब मुझे बताने की कोई हो सकते नहीं, इसलिए नजर तो आ रहा है। इसलिए जनता ने कहा कि आप चुनाव मैदान में आइए और जीत करके, मतलब पुनः गलती मान लिया कि आप जीत जाते हैं, काशीराम जी एक सवाल और, अगर मान लिया आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे या कोई और इतनी कट्टरता? हाँ जी, मैं उसी में जो है ना, ये आपको नजरअंदाज कर दिया आप? नहीं नहीं, हो सकता है कहीं गलती, आप लेकिन समाजवादी ही रहे। मैं समाजवादी, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। क्या आपको लगता नहीं कि आप बदल देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने 1993 से जो है लाठियां खाई, 93 से कई बार जेल गए, कई प्रोग्राम के पार्टी के लिए न मालूम कितना कार्य किया, तो मेरा दिल केवल यही कहता है कि समाजवादी मान्यता, और मैंने कहा जनता हम साथ दिख रही है उससे मालूम पड़ता। अच्छा एक प्रश्न, आपने बताया और तकरोही गांव में या आपके वार्ड में जो आपने किया उस पर भी प्रमाणिकता नजर आती है, लेकिन ये बता दीजिए आप पार्षद उम्मीदों को पूरा करने का आपने फैसला किया है और क्या उम्मीद है जो आपको लगता है कि नहीं इनको पूरा करना चाहिए और वो पूरा करेंगे कैसे, जैसे कौन कौन? जैसे नंबर एक यहाँ पर सीवर है, सीवर 8.5 साल हो गया डाले हुए, अभी वो चलाया नहीं है, इस पे जोर देना कि सीवर जो है कनेक्शन कराया जाए और ये चालू कराया जाए। नंबर दो बात कि इस तकरोही की खासकर जिसमें हनुमंत नगर है, बहुत ज़्यादा जो है डाउन है, आशुतोष बिहार है, आनंद बिहार है, वंदना बिहार अपना है और राधिकापुरी कॉलोनी है, कोमल नगर है, आदर्श नगर है, सूर्या सिटी है, तकरोही गाँव है, जयनगर है, इसमें जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, अगर पानी जरा भर जाए तो ये जो इलाके जो हैं जल भराव हो जाता है, ये जल भराव को पूरा करना, नाला नाली बनाना, ये हमारा दायित्व है। पूरी तरह आप विकास पर जोर देंगे और जो नहीं हुए वो करेंगे? वो हम पूरा जोर हमारा विकास के ऊपर रहे। आपने निश्चित रूप से देखा कि जिस प्रकार से बातें हुई, जिस प्रकार से उत्तर हुए, उससे ये नजर आ गया आप कांशीराम मैदान पर उतर चुके हैं और कांशीराम दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अब इस जंग में कहां तक फतह कांशीराम कर पाएंगे। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यू।